Good morning, children. How are you all? Very good. Children, today we will learn a poem. Okay? आप सबको पसंद आती है ना poem? आप लोग कितने अच्छे अच्छे वीडियो सेंड करते हो आपके poem के मुझे. Okay? आज हम एक new poem सीखने वाले. Okay? चलो, let's start. Repeat the date after me. Today's date is 18.8.2020. Day is Tuesday and month is August. Okay? Now let's warm up. अभी warm up करेंगे. आज हम windmill करेंगे. Okay? इस exercise का नाम windmill है. हमें क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में, दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस रखना है और खड़े रहना है. और राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करेगा और लेफ्ट हैंड राइट लेग को टच करेगा. सेम जैसे एक गर्ल और बॉय कर रहे हैं वैसे ही हमें करना है. ओके, वेरी गुड. ओके चिल्ड्रन, आज एक्टिविटी में हम बेल्ट बनाएंगे. उसके लिए वी विल टेक कलरफुल पेपर्स. ओके, सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ऐसे कोई भी ढक्कन होता है ना उसकी हेल्प से ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम पेपर पे. यहाँ हम 3 सर्कल्स ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको मैंने कट कर लिया है. अब मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर के पेपर पे ऐसे शेप बनाऊँगी और इसको भी मैं कट कर लूँगी. हो गया कट. मैंने यहाँ रिबिन में बेल्स मतलब वो जो घुंघरू होते हैं वो अटकाए हैं. अभी हम क्या करेंगे, ये पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे ग्रीन वाले. इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है इसको हम पहले ऐसे ये घुंघरू चिपका देंगे और फिर हम इसको बेल के शेप में पेस्ट करेंगे इस तरह से. ओके, अंदर के साइड से मैं फेविकॉल लगाऊंगी यहाँ एंड देन वी विल स्टार्ट पेस्टिंग इट इस तरह से. लेट इट ड्राई. सेम हम दूसरे बेल्स के साथ भी करेंगे. ऐसे हमने पेपर से कैसी बेल बनाई है देखो, इस तरह से. अभी हम ये ग्रीन वाला पेपर जो हमने यूज़ किया था उसको हम पेस्ट करेंगे. ये हमने पता है कौन सा शेप पेस्ट किया है, हमने ये लीफ का शेप बनाया है और वही पेस्ट किया है. अभी इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स पेस्ट करेंगे हम रेड कलर के ताकि ये चेरी जैसा लगे. सिमिलरली हम दूसरे बचे हुए दोनों बेल्स के लिए भी करेंगे. छोटी छोटी बेल्स तैयार है. देखो ये लास्ट वाला कर लेती हूँ फिर आई विल शो यू. इस तरह से. ओके, सी हमारे बेल्स तैयार है. आपको भी एक्टिविटी ट्राई करनी है. ओके चिल्ड्रन, आज हम एक न्यू पोयम लर्न करने वाले. उसका नेम है डिंग डोंग बेल. ओके, मैं पोयम बोलूंगी और आपको वो मेरे पीछे रिपीट करनी है. ओके, आई विल रिसाइट अ पोयम एंड यू ऑल हैव टू रिपीट इट आफ्टर मी. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिंग डोंग बेल, हुस इज इन द वेल? Who put her in? Little Johnny Thin. Who pulled her out? Little Tommy Stout. What a naughty boy was that? Who tried to draw poor pussy cat? Who never did any harm and killed the mice in his father's farm? ये आपकी पोयम है. हाँ, एक और बार इसको रिपीट करेंगे. ओके, डिंग डोंग बेल, पुस इज इन द वेल, हू पुट हर इन, लिटिल जॉनी थिन, हू पुल्ड हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट. What is there in the lesson given?
वॉट अ नॉटी बॉय वॉज दैट उसी को रिलेट टू ट्राई टू ड्रॉन एंड लर्निंग आउटकम आपको बनाना है पुअर पुसी कैट ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकते हैं हू नेवर डिड एबल टू आइडेंटिफाई हिम एनी हार्म एंड किल द माइस इन हिज फादर्स फार्म रेखा ओके अच्छा ठीक है ये आपकी पोएम है अभी आपको ये पोएम लर्न करनी है एक्टिविटी भी करनी है Ding dong bell. Puss is in the well. Who put her in? Little Jonathan. Who pulled her out? Little Tommy Stout. What a naughty boy was that? To try to draw poor pussy cat. Who never did him any harm? And killed the mice in his father's farm. Okay, आपको ये story, ये sorry, ये poem learn करनी है और मुझे बताना है. Okay? मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ. Thank you.